बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं शिमला मिर्ची चटनी। चले फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ले लेंगे इमली का पानी। 15 मिनट पहले मैंने इसको भगो के रख लिया था और सारे इसके अंदर से गुठलियाँ निकाल दी थी। अब इसके बाद हम ले लेंगे पुदीना ले लेंगे। आप धनिया पुदीना दोनों डाल सकते हैं। 2 कटे हुए टमाटर ले लेंगे। 1 कटा हुआ प्याज ले लेंगे और 2 कटी हुई शिमला मिर्च ले लेंगे। इस तरह की लाल सूखी हुई मिर्च ले लेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं और सब्ज मिर्च भी डाल सकते हैं। इसी बात हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून हम नमक लेंगे और 1 टेबल स्पून हम खटाई ले लें। अब हम एक जग में पानी डाल देंगे इमली का। इसके बाद हम इसके अंदर पुदीना डाल देंगे। इसके बाद अब हम इसके अंदर 2 कटे हुए टमाटर डाल देंगे। एक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। सूखी हुई मिर्च डाल देंगे। दो कटी हुई मिर्च डाल देंगे शिमला मिर्च। वन टेबल स्पून हम इसके अंदर नमक डाल देंगे और खटाई डाल देंगे। इसको मैंगो पाउडर भी बोलते हैं और इसको चुड़का पाउडर भी कहते हैं। चलिए अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। थोड़ा सा और कर लेंगे। तो अब ये ग्राइंड हो चुका है और ये चटनी भी बिल्कुल बन चुकी है। अब हम इसको एक छोटी सी प्याली में डाल देंगे। ये देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी चटनी बिल्कुल अच्छी तरह बन के आ चुकी है और ये बहुत ही मज़ेदार लग रही है। इस चटनी को आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, बर्गर के साथ खा सकते हैं, चाट के साथ भी खा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। इसको शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। चलें फिर खुदा हाफिज़।